नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में ऑलरेडी एक साल पहले हम वीडियो बना चुके हैं। और दोस्तों आज का ये टॉपिक रियली में बहुत बड़ा जो है यहाँ का टॉपिक बन चुका है। दोस्तों एक साल पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था और उसमें साफ साफ मैंने लिखा था कि क्या 2030 तक पाई कॉइन जो है डॉलर को खा जाएगा, क्यों सभी एक्सचेंज पाई क्वाइन को रिजर्व करेंसी के रूप में यूज़ करेंगे। हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है। आप खुद आगे आने वाले समय में देखोगे जब पाई क्वाइन एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में यूज़ किया जाएगा। दोस्तों उसके पीछे रीजन है और क्या रीजन है इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। रियलिटी में क्या रियल में पाई क्वाइन जो है डॉलर को 2030 तक रिप्लेस कर देगा। हाँ दोस्तों, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक किया करिए। लाइक करेंगे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। प्लीज़ वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। बस केवल एक टिप हिट करना होता है दोस्तों लाइक करने के लिए, उसमें कौन सी कंजूसी आपको कौन सा उसमें आपको पेमेंट देना पड़ रहा है, केवल लाइक हिट करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर पाई क्वाइन क्यों जो है यहाँ पे, ठीक है, 2030 तक डॉलर को रिप्लेस कर देगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मेट्रो सिटी वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी टॉप मेट्रो सिटी हैं पूरे वर्ल्ड की, क्या वहाँ पे पाई क्वाइन को जो है, ठीक है, अगर कभी मान लीजिए जो बड़े बड़े यहाँ पे इन्फ्लेशन है दोस्तों, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं अगर पाई क्वाइन को एज ए पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे, यकीन मानिए उसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा दोस्तों बहुत ही तेज़ी के साथ होगा। यहाँ तक कि मेट्रो सिटी में होगा, ठीक है, मेट्रो में होगा, ठीक है, यहाँ तक कि एवरी थिंग सभी जगह जो है पाई क्वाइन का जो ऐड होगा, और मैक्सिमम पाई स्टेशन बनेंगे वहाँ पे पाई क्वाइन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये एक वर्चुअल रियलिटी है, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि पाई क्वाइन एज अ ट्रेन में भी मतलब कि एक्सेप्ट किया जाता है। और पाई ट्रेन देख रहे हैं यहाँ पे, पाई ट्रेन साथ लिखा गया है दोस्तों, पाई ट्रेन, ठीक है, पाई पाई ट्रेन पाई, मतलब कि जहाँ देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पाई ही मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ देखिए देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है स्टेशन है रेलवे स्टेशन, और पूरी की पूरी जो ट्रेन दोस्तों है ये पाई स्टेशन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाई के क्वांटिटी में आपको दिख रही है। दोस्तों अगर रियलिटी देखा जाए तो इस समय जो पाई कम्युनिटी है ना, नियर अबाउट मोर देन 60 मिलियन से अधिक कम्युनिटी हो चुकी है। 60 मिलियन स्पानियर जो है यहाँ पे टोटल माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो नंबर ऑफ डाउनलोड है ना वो मोर देन 100 मिलियन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आधे से अधिक लोग जो है माइनिंग बंद कर चुके हैं, वो उब गए हैं, मतलब माइनिंग इतने साल से कर रहे हैं, 4-5 ईयर हो गया माइनिंग करते हुए, लेकिन अभी तक मेननेट लॉन्च नहीं हुआ। दोस्तों इसके पीछे मेन रीज़न ये है ना कि अगर आप बताइए, मान लीजिए कोई क्वाइन है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वाइन को देखा है, कॉइन लॉन्च हुआ, एक्सचेंज पलिस्ट हुआ और लोगों ने बाय सेल किया और हो गया प्रॉफिट निकाला, और ठीक है सभी अपना प्रॉफिट बुक किया और उस कॉइन का प्राइस क्या हो गया, नीचे हो गया। लेकिन दोस्तों पाई कॉइन जो है ना ये एक रियल वैल्यू बिल्ड कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे पाई कॉइन को एक्सचेंज पे लिस्ट न करके यहाँ पे पहले जो है कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को उसके बदले यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे मेन रीज़न यही है कि आगे आने वाले समय में पाई कॉइन की जो वैल्यू को जो इंक्रीज करने वाला है, यही जो अभी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विस के बदले, दैट इज द मेन पर्पज़। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही वीडियो और देते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।